हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के नए स्पीड टेस्ट में। तो हम देखने वाले हैं कि स्पीड टेस्ट बिटवीन द रेडमी वाई वन वर्सेज द शाओमी मी ए वन। सो ये हम इस तरह परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि रेडमी वाई वन कैसा परफॉर्म कर रही है लेटेस्ट आपका मी यू आई 5 के साथ। इसमें मी यू आई 9 अभी तो नहीं है, लेकिन इससे आपको पता चल सकता है कि इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप इसको स्टॉक एंड्रॉइड से कंपेयर करते हैं, जो कि क्लीन एंड्रॉइड होता है, डेफिनेटली बेस्ट परफॉर्मेंस उससे मिलती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर आपका 3 GB का मॉडल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है 4 GB मी ए वन के साथ, डेफिनेटली आप 3 GB का रैम मॉडल खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, परफॉर्मेंस काफ़ी कम है कंपेयर टू द स्टॉक एंड्रॉइड 4 GB, सो आप 4 GB का रैम मॉडल पिक कर सकते हैं। अदरवाइज इसके थ्रू आप एक आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव भी है, आप मी ए वन में पिक कर सकते हैं। क्या आप मी ए वन लें या रेडमी वाई वन लें, तो क्या चलिए देखते हैं एक स्पीड टेस्ट बिटवीन द रेडमी वाई वन वर्सेज द शाओमी मी ए वन। तो गाइस सबसे पहले हम एक पावर ऑन टेस्ट करते हैं। तो दोनों ही फ़ोन अभी टर्न ऑफ है, राइट साइड मी ए वन है, लेफ्ट साइड हमारा रेडमी वाई वन है। तो 3 2 1, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले टर्न ऑन होता है। तो चूंकि ये मिड रेंज क्या बजट डिवाइस हैं, तो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड आपको नहीं मिल सकती है, आप 30 सेकेंड का एवरेज मान के चलें, फिर भी हम देखते हैं। तो बूट लोगो सबसे पहले हमें एंड्रॉइड में दिखाई पड़ रहा है, मी ए वन में देखते हैं कौन से पहले बूट होती है। दोनों में आप मी देख सकते हैं, ऑरेंज और वाई डिफरेंस ब्रांडिंग का फ़र्क है। तो एंड्रॉइड वन यहाँ पे आया है और हमारी रेडमी वाई वन सबसे पहले बूट हो चुकी है। मे बी चूंकि काफ़ी नई डिवाइस है, बट एनी वेज 30 सेकेंड के आसपास का टाइम आ सकते हैं। एंड्रॉइड वन की डिवाइस थोड़ी टाइम लेती है बूट होने में, कोई इशूज़ नहीं है, देखने के टाइम और लगता है, तो बस बूट होने वाली होगी। और ये थोड़ा पास करके देखते हैं। तो हमारी मी ए वन भी फाइनली बूट हो चुकी है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ स्पीड टेस्ट। तो आपके इस राइट साइड हमारा ए वन है, लेफ्ट साइड हमारा वाई वन है। डिफॉल्ट लॉन्चर्स रन कर रहे हैं, हम कुछ एप्लीकेशन गेम लॉन्च करेंगे। और इस बार दोस्तों मैं 3 गेम लॉन्च करूँगा, 4 गेम। मैं एक्सफॉल्ट 8 छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अब चूंकि 3 GB का मॉडल है, तो अगर हम रिज्यूम करेंगे, अगर हर चीज़ सही जाती है, तो हम एक्सफॉल्ट 8 दोबारा लॉन्च करेंगे। रिग्रेशन तरीके से आपको स्पीड टेस्ट करेंगे, अगर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे। तो स्मॉल एप्लीकेशन भी हैं, हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक से। और देख सकते हैं अभी कोई चीज़ रन नहीं कर रही है, 1.6 GB का अभी रैम फ्री है, आप देख सकते हैं 1.6 है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सोशल एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं फेसबुक। 3 2 1, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट तो सेम है, थोड़ा सा फास्टर है आपका मी ए वन में। यूट्यूब पे चलते हैं, देखते हैं यूट्यूब पे कितना टाइम लगता है। तो नियर अबाउट था वाई वन में, आपको पहले डेटा लोड हुआ है, यूं तो लॉन्चिंग फास्टर थी ए वन में। ट्विटर देखते हैं, 3 2 1, ट्विटर भी ऑलमोस्ट स्लाइटली फास्टर है आपका ए वन में। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम इंस्टाग्राम, और नियर अबाउट तो सेम है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, हमें गेम देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे तो पहले टेम्पल इंटू लॉन्च करके देखते हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। तो अभी तो देख के जैसे लग रहा है कि फास्टर इवन में है, और इवन में फास्टर होना भी चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर इसका फास्टर है, 625 है वर्सेस 435। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 सेकेंड डिफरेंस है लगभग दोनों ही फोन्स में। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए आपके पास कितना कितनी फास्ट स्पीड चाहते हैं। आगे चलते हैं हम सबवे सफ़र में। तो दोस्तों मैं इस टेस्ट के मेन वीडियो में रही है, मैं आपको एक मेमोरी मैनेजमेंट दिखा सकूं कि मी यू आई कितना ऑप्टिमाइज है। आपको 3 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, अगर आपको 3 सही लगता है तो आप 3, अदरवाइज 4। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मी ए वन काफ़ी पहले हो चुका है लॉन्च इसमें सबवे सर्फर में, सबवे सर्फर गेम। और आगे चलते हैं पोकेमॉन गो, ये काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, 30 से 35 सेकेंड का लगता है। आई डोंट नो क्यों इतना टाइम लगता है। अब देख सकते हैं मी ए वन ने पहले लॉन्च चुका था हो चुका है। तो गेम जनरली बेसिकली मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये मल्टाई कोर स्कोर जो मल्टाई कोर होते हैं वो काम करते हैं। तो मैं आपको इंच में बेंचमार्किंग दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। टेटिकल टू भी लॉन्च करके देखते हैं, ये भी लगभग 400 MB का ओवरऑल साइज है, 100 से 150 MB का रैम लेना चाहिए। तो फास्टर हमें दिख रहा था अभी वाई वन में, तो लेकिन देख सकते हैं मी ए वन में पहले आ चुका है, फॉलोड बाई आपका वाई वन में 2 सेकेंड का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो गाइज़ ये तो सारे गेम्स थी, अब चलते हैं आगे कुछ हम क्रोम की ब्राउजिंग टेस्ट भी चेक करते हैं, क्योंकि आपका क्रोम शॉर्टकट है ट्विटर लाइट, यहाँ पे लॉन्च करके देखते हैं इसको। थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें लोडिंग डेटा आपको थोड़ा सा फास्टर दिख रहा है इवन, तो ये नेटवर्क की स्पीड तो बहुत ही डिपेंड करता है, इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर भी यूट्यूब में आप देखिए स्लाइटली फास्टर है आपका, 1 2 मिली सेकेंड डिफरेंस है। सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, कैमरा देखते हैं कि इसमें फोटोस में पहले लेते हैं। तो ये दोनों कैमरा एप्लीकेशन दोस्तों सेम है, तो मैंने फ्लैश ऑन कर रखी है, देखते हैं 3 2 1। तो फ्लैश मुझे पहले ए वन में दिखा, लेकिन उसके बाद वाई वन ने फोटो पहले क्लिक की है, तो थोड़ा ऑप्टिमाइज है कैमरा यहाँ पर। ए वन में थोड़ा स्लो मुझे लगता है कैमरा। आगे चलते हैं सेटिंग्स, आपकी स्टॉक सेटिंग्स पहले ए वन में लॉन्च हुई। तो गाइस अब चलिए रिज्यूम करते हैं, देखते हैं कौन से ऐप्स के मेमोरी में हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा आपको कितनी हैवी यूसेज है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है कि मी यू आई पसंद है। फेसबुक आप देख सकते हैं डेटा रिफ्रेश हो रहा है आपका वाई वन में,
हाँ तो लेकिन मेमोरी में था दोनों, यहाँ भी आप देख सकते हैं रिज्यूमिंग फास्टर है यहाँ पे, इवन में डेटा रिफ्रेश नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ट्विटर भी आप देख सकते हैं थोड़ा फास्टर है आपका इसमें। इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं फास्टर था आपका इवन में रिज्यूम में। अब दोस्तों चलते हैं गेम रिज्यूम करते हैं, देखते हैं कौन कौन से गेम मेमोरी में है। तो ये टेस्ट सब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जैसे ही आपको बढ़ाऊंगा अपनी गेम की फ्रीक्वेंसी लास्ट में, तो आपको समझ में आएगा और चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें नजर आएंगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं 1.22 GB मेमोरी फ्री है। तो चलते हैं रिज्यूम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टेम्पल रन 2 से। तो इन 3, 2, 1, तो ये रहा आपका, देखिए टेम्पल रन 2 आपका A1 का मेमोरी में है लेकिन आपका Y1 का नहीं है। तो मैं इसको लोड कर लेता हूँ ताकि कोई इश्यूज़ ना आके गेम में अदर, इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब दोस्तों चलते हैं सबवे सफ़र में, देखते हैं इसकी क्या कहानी है। तो सबवे सफ़र आपका A1 में गेम में है, Y1 में नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको लॉन्च होने के बाद देखते हैं अगला गेम लॉन्च करते हैं हमारा है वो पोकेमॉन गो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये गेम होना चाहिए मेमोरी में, A1 में और Y1 में भी, देखते हैं क्या होता है। तो स्ट्रेंज आपका A1 में है, Y1 में नहीं है। तो जहाँ तक लगता है यहाँ तक या तो ये हो सकता है कि आपका जो डेटेगा 2 है उसने मेमोरी से आपके गेम्स पुश आउट कर दिए। तो चेक करके देखते हैं, डेटेगा 2 भी लॉन्च करते हैं। यहाँ पे देखिए डेटेगा 2 भी आपका मेमोरी में है जबकि आपका Y1 के केस में नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रेंज है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं सारे गेम्स हमने लॉन्च किए फिर भी नहीं है। तो आई डोंट नो कैसे मेमोरी मैनेजमेंट है MIUI में है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे गेम्स आप देख सकते हैं रिलोड हो रहे हैं। तो हम दोस्तों अभी देखेंगे 577 MB मेमोरी खा रही लगभग, आई डोंट नो मेमोरी गई कहाँ। फिर भी दोस्तों हम आगे चलते हैं, X4 स्ट्रीम भी लॉन्च करते हैं, देखते हैं X4 8, सॉरी, देखते हैं क्या कहानी बनती है, क्या ये मेमोरी में रहता नहीं रहता है। तो हमने X4 8 भी लॉन्च किया है, तो लॉन्चिंग यहाँ पे देखेंगे। बहुत हैवी गेम है तो आपको इसमें फास्टर है आपका A1 में, तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब देखते हैं रिज्यूम करके दोबारा सारे गेम की क्या कहानी है फिर से। तो हम चलते हैं टेम्पल रन 2 पे, स्ट्रेंज ग्रेट, आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में मेमोरी में हैं गेम्स आपके, सबवे सर्फर 3, 2, 1, वाओ ये भी आपके मेमोरी में है। तो अब देखिए कुछ हमें कुछ अलग से चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, पोकेमॉन गो ऑसम ये भी देख सकते हैं मेमोरी में है। तो दोनों ही में हमें अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब चलते हैं डेड ट्रिगर 2 को, देखते हैं इसमें क्या है, डेड ट्रिगर 2 आपका मेमोरी में है कि नहीं है। 3, 2, 1, डेड ट्रिगर 2 ग्रेट, ये देखिए डेड ट्रिगर 2 भी आपके मेमोरी में है। तो ये हमें स्ट्रेंज रिजल्ट कह सकते हैं क्योंकि पहले सारे ये गेम नहीं थे, अब देखिए सारे गेम मेमोरी में आ गए। तो लुक्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है MIUI का, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। लास्ट गेम डिसाइड करेगा कि कौन सा बेटर है आपके लिए। तो फिर भी स्टॉक करने तो मुझे मोस्टली ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं, सारे गेम मुझे वही मिलते हैं, 2 दिन बाद रिज्यूम करता हूँ, लेकिन MIUI में ऐसा मुझे नहीं दिखा। देख सकते हैं 2 बार चेंज हो गया यहाँ पे, ग्रेट देख सकते हैं सारे गेम मेमोरी में है। तो वियर्ड इशूज़ आपको मिल सकते हैं, तो अगर आप फिर भी कैजुअल यूजर दोस्तों हैं तो आपके लिए ये 3 GB RAM भी काफ़ी है अगर आप बहुत हैवी गेम नहीं खेलते हैं, क्योंकि स्मॉलर गेम्स भी देखिए पुश आउट हो रहे हैं। अगर आप 4 भी लेंगे तो भी आपको ऐसे ही स्ट्रेंज रिजल्ट मिल सकते हैं, फिर भी आप कुछ पैसे बचा के आप दूसरी चीज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम टर्न ऑफ करके भी देखते हैं, ये भी देख सकते हैं कौन पहला फ़ोन टर्न ऑफ होता है। तो राइट साइड आपका A1 है वर्सेज Y1 है, तो पावर ऑफ करते हैं इन 3, 2, 1, तो एक्स्ट्रा स्टेप आ गया। एनीवेज गाइस यहाँ तक मुझे लग रहा है आपका Y1 टर्न ऑफ हो चुका है क्योंकि वाइब्रेशन भी नहीं फील हुआ, स्क्रीन भी ऑफ है और इसमें इवन टाइम लगता है बूटिंग ऑप्टिमाइज़ नहीं। अगर आप पिक्सल को देखेंगे पिक्सल बहुत फास्टर होते हैं एंड्रॉइड ओरियो के सारे डिवाइसेस, बट फिर भी हो सकता है आगे रिजल्ट है। तो गाइस ये थी आपकी स्पीड टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट। आगे बेंचमार्किंग कंपैरिजन में देखते हैं इवन वर्सेस Y1 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि एंटीटू का स्कोर आप देखिए 46K वर्सेज 60K, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी आपको M1 में रैम ज़्यादा इसलिए आपको रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है, की बेंच में कंपेयर करते हैं यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं सिंगल कोर स्कोर क्वाइट नियर है, जिसलिए आपने देखा कि स्मॉल एप्लीकेशन सेम टाइम पे लॉन्च होने लगा, लेकिन मल्टा स्कोर में काफ़ी डिफरेंस है, 1400 पॉइंट डिफरेंस है। इसीलिए गेम्स थे आपके वो ज़्यादा फास्ट लॉन्च हो रहे थे आपके M1 में, इससे आपको पता चल जाता है कि मल्टा को स्कोर कितना अच्छा होगा तो उतना आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। दोस्तों ये था आपके बेंचमार्किंग, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो हमने देखा तो सबसे पहले कि जितने भी गेम हमने रिज्यूम किए थे सारे गेम रिज्यूम नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी स्ट्रेंज रिजल्ट था ये भी। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने दोबारा फिर से ट्राई किया तो ऑलमोस्ट सारे गेम जितने भी हमने लॉन्च किए, इवन 5 गेम भी आपके मेमोरी में थे जो कि जनरली 4 GB RAM के फ़ोन में भी नहीं मिलते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत स्टेबल है, फिर भी अगर 4 GB RAM में भी लेंगे आपको ऐसी वियर्ड इशूज़ मिलेगी क्योंकि एक भी ना होना और फिर सडनली सारे गेम होना, तो यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट पुअर है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम बजट फिर से बात करेंगे, हैव अ ग्रेट डे।